नमस्कार दर्शकों, आज हम बालूशाही कैसे बनाते हैं यह देखेंगे। इससे पहले मैंने गुलाब जामुन की रेसिपी डाली हुई है, उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप देख लीजिए। बालूशाही के लिए लगने वाली सामग्री है मैदा, घी, बेकिंग पाउडर और सॉल्ट। चाचनी बनाने के लिए लगेगा शुगर, कार्डमम पाउडर, पानी और केसर। मैंने चकली की भी रेसिपी आपके साथ शेयर की है, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप चेक कर लीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब हम बालूशाही बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं लूंगी 250 ग्राम मैदा, स्वादानुसार नमक, 100 ml घी और चुटकी भर बेकिंग पाउडर। सबसे पहले हम मैदे को थाली में निकाल लेते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालते हैं, बस थोड़ा सा डालिएगा। स्वादानुसार नमक डाल लीजिए। देखिए अच्छे से बेकिंग पाउडर और नमक मैदे के साथ मिला लीजिए। अब हम इस घी को दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। और घी गरम करने के लिए रख देते हैं। जैसे ही घी पिघलना शुरू हो जाए तो गैस को बंद कर दीजिए। हमें ज्यादा गर्म नहीं करना है, बस पिघलाना है घी को और मैदे के साथ घी को मिला लीजिए। अभी हम अच्छे से आटे को और घी को एक साथ मिला लेंगे। घी पूरे आटे में लग जाना चाहिए अच्छे से। देखिए मैंने जो बताया है मेजरमेंट वही लीजिए। अब एक कटोरी पानी लेके और आटे को गूंथेंगे। पानी को थोड़ा थोड़ा डालकर आटे को मिला लीजिए। मसलना नहीं है, गूंथना नहीं है, बस आटे को एक जगह पर मिला लेना है हल्के हाथों से। अगर आप मसलेंगे तो लेयर्स नहीं बनेंगी। देखिए ऐसे हल्के हाथों से बस आटे को मिला लेना है एक साथ। आटे को टाइट बनाना है। चलिए मैं आटे को ढककर रख देती हूँ। अभी हम चाचनी बना लेते हैं। चाचनी बनाने के लिए 250 ग्राम शक्कर, केसर और इलायची पाउडर। चाचनी बनाने के लिए शक्कर को बर्तन में निकाल लेंगे और इसमें 2 कटोरी पानी डालेंगे, क्योंकि शक्कर भी 2 कटोरी ही है। और अब हम इसे गैस पर चढ़ा देंगे। जैसे ही शक्कर पिघलना शुरू हो जाए करछी से हिलाकर अच्छे से शक्कर को पिघला दीजिए। अब हम इसमें केसर डालेंगे।
केसर को अच्छे से मिला लीजिए। देखिए चाशनी का कलर कैसे बदल गया है। अब हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे और एक बार चाशनी को चेक कर लेंगे। देखिए अभी हमारी चाशनी बनकर तैयार है, हाथ को चिपक रही है अच्छे से। जैसे ही हाथ को चिपकने लगे तो गैस को बंद कर दीजिए। हमारा आटा भी अभी तैयार हो गया है। अभी भी हमें इसे गूंथना नहीं है, बस हल्के हाथों से इसे एक साथ मिला लेना है तोड़ तोड़ कर, ताकि अच्छे से लेयर बने। देखिए आटे में कैसे लेयर्स बनी है। देखिए अगर आप गूंथेंगे तो अच्छे से लेयर्स नहीं बनेंगी। तो चलिए मैं अभी आपको एक बालूशाही बनाकर दिखाती हूँ। इसको गोल बनाते वक्त भी ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है, बस शेप का ज्यादा सोचिएगा मत। अगर आप शेप का सोचेंगे तो लेयर्स नहीं बनेंगी और बालूशाही चाशनी भी नहीं पिएगी। इस तरीके से तोड़कर एक साथ मिलाकर अच्छे से शेप दे दीजिए। बस ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है। ज्यादा प्रेशर डालेंगे तो लेयर्स कम हो जाएंगी। इसी तरीके से सारे बालूशाही आप बना लीजिए। अब तेल गरम हो गया है, तेल को ज्यादा गरम नहीं करना है और गैस की फ्लेम को धीमी आंच पर रखना है ताकि बालूशाही अच्छे से फूले। अगर तेल ज्यादा गरम हो गया हो तो थोड़ा ठंडा करिए, फिर उसके बाद बालूशाही डालिएगा। देखिए कैसे फूली है बालूशाही, अच्छे से फूलकर अपने आप ऊपर आ रही है। देखिए कैसे लेयर्स भी बने हैं, दिख रहे हैं आपको लेयर्स। मेरे सारे बालूशाही बनकर तैयार है। अब हम गैस फ्लेम को मीडियम कर देंगे ताकि बालूशाही अच्छे से पके। मैंने जो मेजरमेंट्स दी है उसी हिसाब से कीजिए। चाशनी को ज्यादा ठंडा नहीं करना है। अभी हमें बालूशाही इसमें डालना है तो 2 मिनट चाशनी गरम कर लेंगे। देखिए बालूशाही का कलर कैसे गोल्डन ब्राउन आया है। इस स्टेज में हम बालूशाही को निकालेंगे और गरम गरम ही चाशनी में डाल देंगे। चाशनी में बालूशाही को अच्छे से डुबो दीजिए। दो 3 मिनट बाद आप इन्हें एक बार पलट लीजिए। अभी 5 मिनट के बाद हम इन्हें दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। देखिए कितनी अच्छी बनी है बालूशाही, खाने में भी बहुत बढ़िया लगती है। अब हम इसको केसर
काजू और बादाम के साथ गार्निशिंग करेंगे। देखिए इसी तरीके से सर्व कर दीजिए। देखिए मैं आपको तोड़ के बताती हूँ, चाशनी अंदर तक गई है और लेयर्स भी दिख रही है। एक और तोड़ के बताती हूँ, देखिए कैसे लेयर्स बनी है, चाशनी अंदर तक गई है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।